हेलो एवरीवन, दिस इज बबलू सर एंड यू आर वॉचिंग इज टू लर्न इंग्लिश स्पोकन चैनल। और आज जो आप सीखेंगे वो सीखने वाले हैं हो गया तो। बहुत बार क्या होता है, हो गया तो, नहीं हुआ तो ऐसी सेंस में आप सेंटेंसेस बनाते हैं। सो पहले स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल की बात करेंगे। स्ट्रक्चर रहेगा व्हाट इफ, उसके बाद पर्सन, उसके बाद वर्ब, वो भी फर्स्ट, और आपको डिसाइड करना है सिंगुलर है तो एस या ईएस लगा दीजिएगा, या फिर मना करने के लिए हो सकता है व्हाट इफ प्लस पर्सन प्लस डू या फिर डज और उसके साथ नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। पहला सेंटेंस हम बना रहे हैं, व्हाट इफ ही कम्स टू नो। अगर मान लीजिए उसको पता लग गया तो, आप बोल रहे हैं किसी को पता नहीं लगेगा, अगर उसको पता लग गया तो बात करेंगे व्हाट इफ ही कम्स टू नो। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट यहां पे हो जाएगा व्हाट इफ दे फाइट, अगर वो लड़ पड़े तो बात करेंगे व्हाट इफ दे फाइट। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे नेक्स्ट, आप इस तरीके से बोल सकते हो कि छाता लेके क्या जा रहे हो, बारिश नहीं होनी है, अगर बारिश हो गई तो बात करेंगे व्हाट इफ इट रेन्स। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए बहुत बार उम्मीद होती है, 1 घंटे से मैं इंतजार कर रहा हूं, वो आएगी, कह रहे कोई नहीं आने वाला है, चले जाओ घर, अगर वो आ गई तो बात करेंगे व्हाट इफ शी कम्स, अगर वो आ गई तो। अब वो करेगा अगर वो नहीं आई तो, सो बात करेंगे व्हाट इफ शी डज नॉट कम, नहीं आई तो। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे, बोल सकते बहुत बार क्या होता है, कुछ को डर बहुत लगता है, कहीं डरावनी जगह पे चले जाते हैं, फिर रात को लेट आते हैं, दूसरा डराने के लिए बोलता भूत आ गया तो। सो बात करेंगे यहाँ पे व्हाट इफ गोस्ट कम्स, भूत आ गया तो। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए सपोज दैट कोई किसी काम को करवाने के लिए किसी को रिश्वत दे और सामने वाला बोल दे अगर मैं रिश्वत ना लू तो, मतलब मैं रिश्वत ना लू तो। सो बात करेंगे हम यहाँ पे व्हाट इफ आई डू नॉट टेक ब्राइब, कि देख लो रिश्वत तो लेनी पड़ेगी आपको, वैसे फ्री में काम मैं भी नहीं करवाऊंगा, इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, पापा को गुस्सा आ गया तो, आप चोरी छिपे जा रहे हो, सो बात करेंगे व्हाट इफ फादर गेट्स एंग्री। या नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें डर रहता है वो बता सकता है, उसने कहा अगर राहुल ने बता दिया तो, आप बोले कि नहीं बताएगा मेरा अच्छा दोस्त है, अगर बता दिया तो, सो बात करेंगे यहाँ पे व्हाट इफ राहुल टेल्स। या नेक्स्ट हो जाएगा जैसे मान लीजिए कोई चोरी करने के लिए जा रहा है, एक चोर दूसरे चोर को बोल रहा है, अगर चौकीदार जाग गया तो, सो बात करेंगे यहाँ पे व्हाट इफ वॉचमैन वेक्स अप, जाग गया तो। या लास्ट बात करेंगे जैसे मान लीजिए किसी को बाइक चलानी नहीं आती, बट वो आपका दोस्त है और आपने उसकी फीलिंग्स को समझते हुए उसको बाइक की चाबी दे दी, जैसे तैसे चला रहा था और किसी ने कहा भाई साहब अगर इसका एक्सीडेंट हो गया तो, सो बात करेंगे व्हाट इफ ही मीट्स विद एक्सीडेंट, आप इसने दे तो दिया आपने इसको बाइक। सो जब भी बोले हो गया तो या फिर नहीं हुआ तो, सो व्हाट इफ का स्ट्रक्चर यूज करके अपने सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से बना सकते हैं, स्पोकन तो इंप्रेसिव ऑब्वियसली होगा। सो ये था स्ट्रक्चर, हो गया तो, नहीं हुआ तो, यूज कर लीजिएगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर लीजिएगा लाइक, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं वो हर कोशिश करता हूं जिससे आपका स्पोकन अच्छा हो सके। सो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड डे।